नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फर्रुखाबाद में चल रहा नारायण साकार हरि का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण साकार हरि ने अपनी वाणी के माध्यम से श्रद्धालुओं को दिया मार्गदर्शन। आप लोग चल के यहाँ तक पहुंचेंगे, आपके क्षेत्रों में, आपके गांव में, बस्ती मोहल्लों में अगर कोई हरि नाम से चिंता करता है, पैसा मांगता है, वस्तु पदार्थ मांगता है, तो सोच लीजिए ये माया भी शैतान है, उसे एक ढेला देने की जरूरत नहीं। जब उसका चेहरा जब पहचान में आ जाता है तो वो अपने बुर्गों को भेजता है, उनसे ये काम कराता है। और गुरुदेव आपके आस पास के ही होते हैं, उनके कहने पर आप दे देते हैं। सत्यता ये है, हरि परमात्मा के दर पर आप लोग बहुत से महापुरुष तो 200 वर्ष से आ रहे हैं और सबको जानकारी है। हमारे द्वारा कहीं पर भी कोई दान पात्र नहीं लगवाया जाता है, हमारे द्वारा किसी भी रूप में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ भी नहीं दिया जाता है। जैसे आपके सम्मुख खड़े ठाकुर एपी सिंह एडवोकेट जो दिल्ली से पधारे हैं, इन्होंने देखा होगा, समझा होगा, परखा होगा। जब इनको ये बात कहने का मौका मिला है, दूसरे पूर्व में भी आप जानते हैं 2 वर्ष हमारे द्वारा कहीं आयोजन नहीं किया गया, कोविड-19 कोरोना काल। यहां जिला प्रशासन ने यहां के महापुरुषों को मानवता के तहत आयोजन कराने की परमिशन दी थी। हर महापुरुष का दायित्व बनता है इंसानियत का परिचय देते हुए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग का विशेषकर रोडों पर सहयोग करें, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि रोडों पर जाम नहीं लगना चाहिए। वैसे लगता है तो आप क्या कर पाएंगे, लेकिन आपके द्वारा किसी भी तरह से रोडों पर जाम नहीं लगना चाहिए। जो आप किस सम्मुख मिस्टर ठाकुर एपी सिंह एडवोकेट बता रहे हैं, आए हो तो ये भी सुनकर जाओ कि नारायण हरि परमात्मा का सीधे सीधे नाम का उजागर इसी शरीर के द्वारा प्रारंभ में हुआ, आप जानते हैं, और कहीं से नहीं हुआ। फिर भी हम यही बोलते आए हैं, हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर काम करते हैं, हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो, जागते रहो। जागरूक करना हमारा काम है, जगना ना जगना आपका काम है, चलना ना चलना आपका अपना काम है। दूसरे यहां पर करोड़ों की संख्या में महापुरुष आते हैं, स्त्री पुरुष आते हैं, और आपने वाली भांति देखा भी, लेकिन यहां इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जो व्यापार का विचार करके आता है, हमें जानकारी हुई ये जो टेंट लगा हुआ है, हम दूसरा राजस्थान में थे, लगाने वाले पहुंचे और इन्होंने हमसे कहा कि हम हिसाब नहीं दे पाएंगे, यहां मौजूद होंगे कि हमने उनसे कहा श्रीमान जी एक बात बताओ, हमने आपसे कभी हिसाब मांगा है कि नहीं,
तो आपको आज ये क्या नौबत आई जो आप हमसे कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं दे पाएंगे? अभी भिन्न भिन्न जगह आयोजन दिए जा चुके हैं। कस्बा पूरनपुर जनपद पीलीभीत के विधायक श्री बाबूराम पासवान, उनके मध्य टेंट का कोई मामला होगा, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। हमारे सामने फिर बात आई तो जो टेंट लगाते हैं उन्होंने कहा, उनका नाम डोरीलाल, कि हमें तो शुरू में ही नारायण हरि की प्रेरणा मिली तब हमने टेंट लगाना शुरू किया है। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? आप लोगों को ये इशारा किया जा रहा है जो महापुरुष यहाँ मौजूद है, और उनको भी बताओ गए आते हैं जो कहते हैं कि हमें प्रेरणा मिली और प्रेरणा के आधार पर हम आते हैं। ऐसे स्त्री पुरुषों को इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कभी आने की जरूरत नहीं है। प्रेरणा का मतलब क्या होता है, और हम आपको ये जाहिर करना चाहते हैं, अगर किसी ने गुरु बनाए हैं, गुरु आमने सामने बात करते हैं और कहता है गुरु जी की प्रेरणा मिली, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। नारायण हरि परमात्मा निर्गुण निराकार ही सगुण साकार हरि परमात्मा है, साकार में पूरे ब्रह्मांड में कार्य कर रहे हैं। तो प्रेरणा का कोई मतलब ही नहीं है जब स्वयं ही साकार में मौजूद है। कैसे? जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए सदकर्म की हानि, बाढ़े असुर अधब अभिमानी, तब तब हरि धरे मनुज शरीरा, अपने चुनिंदा घट में प्राकट कर लेते। तो जो स्वप्न की बात बताए, जो प्रेरणा की बात बताए, तो समझो ये सब माया भी है। त्रेता का नाम आता है, सभी माया भी थे। लंका में रहने वाले, लंका राज्य में रहने वाले सभी माया भी थे। और मायावा की मतलब क्या है? हाई स्कूल इंटरमीडिएट बीएमए डबल एमए एलएलबी एलएमआर डिग्रियां हैं, बड़े बड़े डिप्लोमा हैं, पद हैं, धन हैं। मायावी का मतलब जो हमारी समझे वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मायावी का मतलब होता है अंधकार, घोर अंधकार, घोर अंधकार, जिसे हम माया कहते हैं। ये हमें घोर अंधकार में ही ले जाती है। और जब हमने माया को गले लगाया है, माया का एक रूप नहीं होता, अनेक रूप होते हैं। जब ऐसे ही गले लगाया है तो अंधकार में ही ले जाएगा, और अनंत अनंत कालों तक वेदों शास्त्रों पुराणों के मुताबिक 84 लाख योनियों में यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए अगर किसी के बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम को बेचते हैं, बदनाम करते हैं, हम समझते हैं अगर वास्तव में पिता है तो बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हरि परमात्मा के नाम को बेच रहे हैं, हरि परमात्मा के नाम से धन बटोर रहे हैं और आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो हमारे द्वारा तो आपको परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम अग्नि का दर्शन कराया जा चुका है, फिर माया भी लोगों के हाथ से बच जाते हो। जो लोग ऐसे हैं, पैसा टका देते हैं, यहाँ उन्हें आने की जरूरत नहीं। तो मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, इतने मिशन संता पंत हैं वहां जाओ, हरिद्वार जाओ, मथुरा वृंदावन जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने की ऐसे स्त्री पुरुषों को जरूरत नहीं। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। जिनको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, हम बोल रहे हैं हमने 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 आया
जिनको बढ़ाने का प्रयास किया वही गद्दार निकलते हैं, गद्दारी करते हैं। करोड़ों करोड़ों बीसियों करोड़ इकट्ठा कर लेते हैं, घमंड में चूर हो जाते हैं। तो ये माया भी है, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। लंकापति रावण, लंकापति रावण के साथी जब रामचंद्र जी का नाम आता है, लक्ष्मण जी का नाम आता है, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का नाम आता है, उनके सुपुत्र हैं ये। बहुत लंबी कहानी हम सूक्ष्म में आपके सामने रख रहे हैं, आप जानते होंगे। सीता जी के हरण के बाद सागर के किनारे कैंप लगाकर रामचंद्र जी सभी सेना रहने लगी। अब रहने लगी, आप जानते हैं वैदिक काल का इतिहास बताता है, लंकापति रावण का अनुज छोटा भाई विभीषण को भी लंकापति रावण ने ठोकर मार के निकाल दिया। आके राम जी की शरण में आया, वही रहने लगा। लंकापति रावण ने अपने मुख्य गुप्तचर जिसे कह देते हैं गांव देहात में सीआईडी, मुक्त गुप्तचर इंटेलिजेंस अधिकारी को भेजा कि जाओ, सुग्रीव ने बनवासी से मित्रता कर रखी, बहुत समझने की बात है, बनवासी से मित्रता कर रखी, आए हो जहां जगह मिलती है वहां आसन ग्रहण करो, भले ही खड़े होने की मिलती है, एक एक शब्द को मन लगा के सर्वण करो कि हम आचार नहीं देते, हम स्पीच नहीं करते। अगर आपको आस्था है, श्रद्धा है, यकीदा है तो दर्शन के महत्व को समझो, पानी के प्रवाह को समझो और वचन के महत्व को समझो तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप पर भंग पाखंडा डंबरम निस्तार ढकोसला लागू नहीं हो सकता, भेदभाव लागू नहीं हो सकता। दुनिया में जहां भेदभाव है, परमात्मा के दरबार में न भेदभाव था, न है, न ही होगा। इस बीमारी से बच के रहो। तो लंकापति रावण ने अपना मुख्य गुप्तचर भेजा, माया भी रूप धारण कर, बच्चे का रूप धारण कर, सागर को लाल कर और सीधे सीधे सुग्रीव के शिविर में जाके उतरा। लंकापति रावण के अनुज देख रहे हैं विभीषण, कहीं तो रावण का मुख्य गुप्तचर है। तो शिविर में जैसे दीवार होती है कपड़े की सादे में, आड़ में खड़े होकर विभीषण सुनने लगे, आया कि वही बात क्या करेगा सुग्रीव से। तब अपने असली रूप में आया, तब सुग्रीव ने कहा मैं अपने लंकापति रावण का मुख्य गुप्तचर हूं और उन्होंने मुझे भेजा है। क्यों? उन्होंने कहा राम से दोस्ती तोड़ दे और जितना राज्य बढ़ाना चाहेगा मैं बढ़ाऊंगा, जितना सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात लेगा मैं दूंगा, जितनी भी सुंदर बालाओं को जवान चाहेगा मैं दूंगा, राम से दोस्ती तोड़ दे। बड़े बड़े प्रलोभन दिए, प्रलोभनों को सुनकर सुग्रीव ने कहा अगर तू दूत न रहा होता, संदेश वाहक न रहा होता तो मैं तेरा वध अति इसी समय कर देता। जा, 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 जा। लंकापति रावण से कहना सुग्रीव लंका पे चढ़ाई करेगा और रावण तेरा, सुग्रीव तेरा वध करेगा। यहां तो पैसा की लालच नहीं, किस किस प्रकार के कौन क्या प्रलोभन मिलते हैं भेदभाव आदि के, आदमी को बदलने में देर नहीं लगती है। हम हर तरह से विश्वास करते थे
जब हमारे सामने रुपया पैसा के कारण ऐसे सीन आए हैं, हमने भरोसा करना बंद कर दिया है। केवल नारायण हरि परमात्मा के अलावा और हम किसी का चिंतन नहीं कर सकते, किसी को हम याद नहीं कर सकते। क्यों? आपको भी इशारा कर रहे हैं, याद है तो आवाज है, भूल गए तो बर्बाद। और आप भी जानते हो कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है, आए अथवा नहीं आए। उस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के महत्व को समझो। अगर महत्व नहीं समझ पा रहे, केवल भूषा के लिए आए हो, सारी बीमारी दूर हो जाए, तमाम असाध्य रोग है वो दूर हो जाए, बेटा नहीं है बेटा मिल जाए, हमारा मान सम्मान हो, हमारा ऐश्वर्य बढ़े, जिधर जाए हमारी जय जयकार हो, ये बहुत बड़ी भूल है। ये माया का कैसे रज तम सत्व रजोगुण तमोगुण सत्वगुण त्रिगुणी माया है, पूरे ब्रह्मांड में लिपायमान है। इस माया से निजात पानी है हरि परमात्मा के अलावा ब्रह्मांड में और कोई ताकत नहीं जो माया से हमें छुड़ा सके। क्यों 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 आप समझ सकते हैं, अंधेरी रात होती है तो जानकार लोग कहते हैं ये काल की रात है, हाथों हाथ दिखाई नहीं देता। और आप जिनके मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, सत्य के साथ में पहुंचे हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, अपनी रचना देख लो माँ के पेट में कैसे बनाया, जिन्होंने रचना की है, हमारे द्वारा पूर्व में भी घोषित किया गया है, प्रकाश है, परम प्रकाश है, परम ऊर्जा है, परम अग्नि है, बिजली का उत्पादन कई प्रांतों में हमने सीधे सीधे जाके देखा है, बिजली का उत्पादन होता है, बिजली अन्य सभी स्टेशन होते हैं वहां सप्लाई की जाती है। इसी प्रकार जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है आज स्वयं ही आपको सद्ज्ञान दे रहे हैं और आपको उजागर कर दिया है। बात गुरु की आती है, एक सज्जन हरदोई के थे, हम सिकोवाद में थे तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी मर गए और हम गुरुजी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, इसलिए आपसे हम आयोजन का समय मांगने आए। हमने उनको बताया मरने वाला गुरु कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी मरता ही नहीं, गुरु के मरने का कोई चांस होता ही नहीं है। तो हमने आप लोगों को आने वाले समस्त महापुरुषों को पूर्व में ही दर्शाया, पूर्ण तरीका से जानकारी दी जा चुकी है। आप लोग आते हैं, नारायण हरि परमात्मा स्वयं परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं, उसके बाद भी माया के लोगों के चुंगल में फंस जाते हो तो बाबूजी महादुर्गति होगी, नोट कर लीजिए, इशारा हो रहा है महादुर्गति होगी। क्यों? अपराधी का साथ देंगे, अपराधी को अपने पास बिठा लेंगे, भले ही आपने अपराध नहीं किया है, भारतीय दंड विधान के मुताबिक आप भी अपराधी हो जाएंगे और पुलिस आपको भी गिरफ्तार कर सकती है। आप चिल्लाते रहे कि हमने कोई अपराध नहीं किया, पुलिस विभाग के अधिकारी कहेंगे कि तुमने अपराधी को संरक्षण दिया है, इस अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे द्वारा अनेकों बार कहा जाता है, स्पष्ट तौर से कहा जाता है, जैसा संग करोगे वैसा ही रंग सवार हो जाता है। फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है, प्रवास की बात आती है, भिन्न भिन्न प्रांतों का, सुबह शहरों नगरों महानगरों ग्रामीण अंचलों, हमने कहीं पर भी प्रवास के लिए किसी से यस नहीं किया, हाँ नहीं किया है, फिर भी लोग निर्माण कर रहे तो सोच लीजिए उनका निज स्वार्थ है। वो अपने को मठाधीश बनाएंगे, धन बटोरेंगे, चढ़ावा चढ़वाएंगे। एक सीआरपीएफ के जवान आए, उन्होंने हमें शिकायत की कैसे ऐसे बात है, और फला फला व्यक्ति करीब 158 गांव में, वहां पहुंचकर गांव गांव जाता है,
धन इकट्ठा कर रहा है, कोई धन न देता तो कहता है अनाज दे दो, गेहूं चावल ज्वार बाजरा मक्का कुछ भी दो, कुछ नहीं तो दाल ही दे दो। जब हमने उनसे कहा तुम शिकायत क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों? जब उसने भिखारी का ही काम धारण कर लिया है तो अब इससे नीचा कहां पहुंचाओगे? उसी कर्म से वो, उसी कर्म से वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों के मुताबिक उसे 84 लाख उम्र में जाना है। कर्म के आधार पर अंत मतलब योग्यता, कुत्ता कुटिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप छिपकली कीट पतंग बनना ही पड़ेगा निसंदेह। ये भी हम आपको दर्शा दे, ब्रह्मांड में कोई हो, राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, जनमानस हो चाहे अवतार हो, कर्म पीछा छोड़ता नहीं है। और भी दिमाग में रख लो भली भाल। किसी ने कहा कि पाप का पाप कौन होता है? मोह के कारण लोभ पैदा होता है, तो उसने बताया लोभ ही तो पाप का पाप होता है। आप समझ सकते भिन्न भिन्न मिशन संस्थापन में जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, गिरजा कर जाओ, करोड़ों करोड़ों के लोग मंदिर बनवाते हैं, भगवान जी की मूर्ति बनाते, तो करोड़ों करोड़ों रुपया लगाता है मंदिर में, और मंदिर में से जो ईंट निकालता है क्या वो बच जाएगा? वो चोरी कर रहा है। जब भगवान जी के मंदिर में से ईंट निकालना क्या बच जाएगा? जब दुनिया के लोगों के घरों में नकब लगाते वो नहीं बच सकते, तो मंदिर से ईंट निकालने वाला भी बचाव संभव नहीं है। ये जो आपको आपकी बहन बेटियों को बच्चों को इस बार को मौका मिला है, लगभग 1 वर्ष 11 माह के बाद 2 नवंबर का समय नोएडा में महापुरुषों को दिया हुआ, 2 नवंबर से ही हम चल रहे हैं। जिनको लगन लगी है, जिनको तड़प है, जिन्हें प्यास है दर्शन की, वो दर्शन कर अपनी प्यास को बुझाते हैं। और वचन मान के चलेंगे तो आपके सच्चे रहेंगे, लंगोट के पक्के रहेंगे, ईमानदारी निष्ठा होगी, वफादार बनेंगे, विश्वास प्राप्त करेंगे, अपने लिए समर्पण होंगे तो बैराग होगा, और बैराग होगा त्याग करने के बाद ही बैराग सवार होता है। जब ही तपस्या बनता है, और तपस्या बनने के बाद ही परमात्मा की भक्ति प्रकट होती है, इससे पहले प्रकट नहीं होती है। बातों के बताते हम नहीं बनाते हैं, बातों के बता से बनाना हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है, थ्योरिकल नहीं है। पूर्व में भी कह दिया, जिससे कल भी यहाँ कहा था, यहाँ केवल यहाँ हमें भाषण देने की जरूरत नहीं, स्पीच देने की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल दर्शन का खेल है, आपका दर्शा है, और दर्शन किया है जो चाहत बनी तो ब्रह्मवाणी आई, उसे धारण करो, कर्म में डालो, व्यवहार का रूप दो, आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। बोलने की यहां जरूरत ही नहीं। अब आपके सम्मुख मिस्टर ठाकुर एपी सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से पधारे हैं। अब देखो आप क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। संचालनकर्ता ने तो बता दिया कि जब से आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आए हैं, तब से आपको कितना घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी परेशानियां, ये बताएंगे। क्यों? जाता न लागी रब वही तन जाने था, कौन जाने पीर पर आई, आग तो लाई की रूप के बाजार में, रब मेला जाने अल्लाह मेरा जाने, कौन जाने पीर, जिसको लगती है वही जानता है। ऐसे कर्म हम न करें तो लगेगी नहीं, और कर्म करेंगे बाबू जी लगेगी बचेगी। हम यहाँ बैठ कर किसका कहानी सुनाते आप हमसे? शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी काली, ये कथाएं हम आपको सुनाते रहेंगे, कथाएं सुनाते रहेंगे, और आपके सामने नाम भी लिया जाता है। ये कथाएं तो आप सुनते सुनाते आए हैं, लेकिन संत गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में क्या कहते हैं? संत समागम हर कथा,
तुलसी दरवाजे पर सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, संत गोस्वामी तुलसीदास का लेख है। जिस तरह से आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहे संभव दिखाई नहीं देता। संसार इकट्ठा होकर इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में मंथन किया कि संत समागम हर घर सभी बहन भाइयों के चरणों में बेहद प्रार्थना है। सभी बहन भाइयों के हमेशा काम धाम करते बिन पद चले समय बिन काना कर, फिर तमाम लेखों में आया है, वेदों में आया है। स्पष्ट कर दिया कि कर से कर्म करो बिदनाना, मन राखो जा हरि निधाना। पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाले हरि परमात्मा है। संसार के गुरुओं से पूछ लो, ज्ञानी जनों से पूछो, आपने गुरु बनाए उनसे पूछो, हरि परमात्मा का ये संपूर्ण ब्रह्मांड हरि परमात्मा का सकल पसारा था है और रहेगा। बाकी कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, फालतू बातें सुनने की जरूरत नहीं रह जाती। और जो लोभ में डूबा हुआ है, मोह में डूबा हुआ है, काम वासनाओं में डूबा हुआ है, मैं मेरी अपने पराये में डूबा हुआ है, तो समझ लो अहंकार में डूबा हुआ है। भाषण तो ऊंचे ऊंचे दे सकता है, लेकिन मोह के लोभ के कारण, भेद के कारण, मैं मेरी के कारण उसका भाषण सत्य के मार्ग पर सफल नहीं हो सकता। सत्य के मार्ग पर सत्य ही सफल होता है, ये माया भी सफल न थे न है और न ही होंगे। कि मन मस्तिष्क में रख लीजिए, आप आए ना आए हमारी क्षेत्र कोई फर्क नहीं पड़ता। झंडू खड़ा बाजार में हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से प्रेम, हमारी न किसी से दुश्मनी है न दोस्ती है। जयकार हो जगत जननी महामहेश्वर जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सहाय है। गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है, वापस आ अर्जुन से कहा अर्जुन तू मेरा भक्त है। सभी बहन भाइयों के चरणों में बेहद प्रार्थना है। तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन कहा है, सभी बहन भाइयों के लिए नहीं कहा है। कहां बहक रहे हो, क्या कर रहे हो, भाई झांक के देखो इंसानियत कितने प्रतिशत है, मानवता कितने प्रतिशत है, भाषण देने वालों की कमी नहीं है, हवा हवाई होता है इस ब्रह्मांड में, भूलोक में सब कुछ कर्म का आधार है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत। दिमाग शुद्ध होना चाहिए। अगर हम मोह में लोभ में काम वासनाओं में मैं मेरी अपने पराये में भेद में भेद बुद्धि आश्री बुद्धि होती है, इनमें भरे हुए इतने ज्ञाता हो जाए, इतने बड़े ज्ञानी हो जाए, कभी भी ब्रह्म में स्थापित नहीं हो सकते। ये हमारा दावा है। मौका जो आपको मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, अनंत अनंत कालों के बाद क्यों हम आप देखते हैं, यहाँ को प्रचार प्रसार नहीं। एक भी चंद्री पुरुष प्रचार प्रसार करने वाला सबसे नहीं है। हमारा प्रथम दिन यहाँ आना हुआ कुड़ावली से, तो रोडों से आज देखा जो कमेटी यहाँ फरगाबाद की आयोजन करा रही, रोड पर कहीं होर्डिंग हमें दिखाई नहीं दिया, कहीं कोई पोस्टर दिखाई नहीं दिया। प्रवास पर पहुंचे, वहां भी कोई होल्डिंग नहीं, वहां भी कोई। अगर
किसी भगवान जी का आयोजन होता पोस्टरों से होल्डिंगों से पूरा शहर फाड़ दिया जाता। कितने कितने लाख पोस्टर होल्डिंग प्रचार प्रसार में खर्च किया जाता, मीडिया बंधुओं से संपर्क किया जाता, चैनलों से संपर्क किया जाता। अरे ये नारायण हरि परमात्मा का जन्म अभ्यासी है, उनका काल है, अब वो कैसे क्या करेंगे? अगर आप सतगुरु सतो प्रधान आत्मा न होते तो बाबू जी बिना विचार प्रसार के कोई बढ़ावा तो नहीं भेजा, कोई आमंत्रण कार्ड नहीं भेजा। उसके बावजूद भी आप सर्दी के मौसम में ठंड में ठिठोरते हुए यात्रा करते हुए जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो दर्शन करने से वंचित मत रहना। जितने दूर भागोगे उतने ही संसार में डूब जाओगे, बचाव संभव नहीं होगा। कैसे? माया, माया भी एक पूर्व काल की बात है। एक दलितों की बस्ती है, बरसात में जब पानी बरसता है वही तालाब में इकट्ठा होता है, उस गांव के निवासी उसी तालाब को पीते, उसी से भोजन वगैरह बनाते हैं, उसी से कपड़े साफ करते, उसी से जानवर वगैरह। वहां होकर उस गांव के चारों तरफ होकर कोई कभी निकलता नहीं, दलितों की बस्ती है। समझिया वैदिक काल के इतिहास की बात है, हमारी बात नहीं। नारायण हरि परमात्मा के दर पर संसार में जब ये समझ में आ गया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, वुमेन बॉडी आई एम सो, जब ये समझ में आ गया तो जाति पाति का बवंडर खत्म हो गया। त्रेता के राम जी ने भिल्ली क्या पैर खाकर साबित कर दिया दुनिया में जाति पाति नाम की कोई चीज है ही नहीं। झूठे पेड़ खाए राम जी ने ऐसा लिख कहता। तो एक बूढ़े व्यक्ति जो राजा के यहां मोची का काम करते थे, वो रात के 4 बजे उठे, दिशा मैदान गए, तालाब में आए तो उन्हें कमल का फूल खिला हुआ दिखाई दिया। असमय वो समय नहीं था फूल खिलने का, क्योंकि फूल भी समय पर खिलता है, फल भी समय पर आता है और पत्ता भी समय पर है। अब क्या होता है, अंदर घुसे फूल को तोड़ा और वो फूल में बिखर के मन में विचार आया कि ये फूल मैं राजा को दूं, इसके बदले में तो हमें बड़ा इन्होंने खुलासा कर दिया। नाम दिखाई देता नहीं, संसार में चलेगा खेलने का असमय खेला हुआ है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन समंदर हो गया मासे पारा, नाम दिखाई देता नहीं, लेकिन आपके पत्रकार बंधु बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि जब नाम ही मिल गया तो नाम भी दिखाई दे रहा है और नाम भी ले आई, इन्होंने खोल खोला। परमात्मा नारायण सारी सारी क्योंकि अंतर्यामी जगत के स्वामी भी लग रही है, इनको मालूम थी कि ये कोरोना काल आएगा और हमारी शरीर पता नहीं कहां मारी मारी घूमेगी, इसलिए संत के साथ के आयोजन देना बंद कर दिया तारी में, संत के साथ का आयोजन कहीं और नहीं हुआ, यही अंतर्यामी जगत के स्वामी जी का दर्शन उत्तम है। एक बात बता दें हम आपको, देखिए कोरोना काल में भी बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल फेल हो गए थे, कहीं पर कोई इलाज नहीं मिल रहा था और उस समय किसी भी मेडिसिन किसी भी अभिनेता को जय जयकार हो
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।